अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हाजिर हो चुका कोरोना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। भाई साहब, आज की वीडियो जो है ना बहुत ही मजे की होने वाली है। आज जो है ना मैं भी खुश होंगे और आपको जो है ना आज हम खुश करेंगे। बहुत से भाई हमारे समझ गए होंगे कि मैं काफ़ी टाइम से किस चीज़ का इंतजार कर रहा था। तो भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी असील मुर्गी ने जो है ना अंडे दे दिए। जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक सुना, हमारी असील मुर्गी यानी प्यारी असील, इसने जो है ना अंडे दे दिए। माशाल्लाह से दो अंडे दे दिए, एक भी नहीं सीधा दो। मैं आपको बताता हूँ, एक साथ इसने दो नहीं दिए, एक जो है ना इसने आज सुबह दिया और एक जो है ना परसों इतवार वाले दिन दिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि तूने हमें बताया क्यों नहीं। सब ना बताने के लिए माजरत, गुस्सा ना होए। फिलहाल जो है ना अभी हमने खोला हुआ है जी अपने सारे चिक्स को, माशाल्लाह से देखें, खाली उन दोनों को नहीं खोला हुआ और जो है ना हमारा सील चिक है स्लेटी, इसको भी नहीं खोला हुआ, बाकी सब खुले हुए हैं। इंजॉय करें बाहर। और आज हम मौसम देखें भाई साहब, सुबह तकरीबन 5 मिनट बारिश हुई और भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसी धूप निकली है वो भी 5 मिनट के लिए, यानी 5 मिनट बारिश हुई है, 5 मिनट धूप निकली और उसके बाद जो है ना अभी तक ठंड है। आज बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बारिश होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है ना ठीक हो चुका है क्योंकि पूरी सर्दियाँ बारिश नहीं हुई। मैं जो हूँ ना वेदर क्या कहते हैं कंडीशन बताने वाला हूँ भाई साहब, व्लॉग वगैरह तो मैं कम ही बनाता हूँ भाई साहब। ये था जी हमारा बफ चिक, माशाल्लाह से बफ चिक भी जो है ना काफ़ी बड़ी हो चुकी है, चेक करें आप। बहुत जल्द जो है ना इसका पार्टनर लाना पड़ेगा, लेकिन अभी छोटी है, अभी अंडे नहीं देगी इतनी जल्दी जल्दी। यहाँ पे घूमे, चेक करें भाई साहब, चेक करें, पूल पार्टी हो रही है और ये हमारी पार्टी हो रही है। इधर जो है ना नीचे से ला के मट्टी डाल दी है, तो जो है ना ये इन्जॉय करी जा रहे हैं। चेक करें राजा को भाई साहब, आज सुबह फिर इसके पाँव से जो है ना खून निकल आ रहा था, जैसे कि आपको पता है इसके कील काटे और मुझे लगता है वो कवर अप होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि जो है ना कील ख़त्म हो रहे हैं आस्ता आस्ता। तो भाई साहब अब नहीं काटूंगा यार, अब मैं सोच रहा हूँ या रहने दें या जो है ना इसको हम सेल ही कर दें, कोई ये काम करेंगे वो जो है ना बाद में देखी जाएगी। माशाल्लाह से चेक करें आप, आज आपको शो करवाते हैं जी अपने असील चीने का। भाई साहब एक बात बताऊंगा आपको, मैं बहुत खुश हूँ यार, हमारी असील मुर्गी ने अंडे दे दिए हैं। मैंने दो बंदों से बात की है, वो भी जो है ना हमें अंडे देंगे, यानी जो है ना एक जो है मुश्के के अंडे होंगे दो और एक जो है ना रेजे के होंगे, यही हमारे घर के पास पास ही रहते हैं। दो दो अंडे या तीन तीन अंडे जो है ना उनसे लेके लेंगे। और इसका आप पता नहीं, असील मुर्गे का हमारा फर्स्ट टाइम है, पता नहीं फर्टिलिटी आती है अंडों में कि नहीं, पिछली दफा भी जो है ना काम खराब था। अब देखेंगे भाई साहब, अल्लाह करे यार जी, आपने दुआ करनी है लाजमी की जो है ना हमारे अंडों में से बच्चे निकल आए, हमारे मतलब मुर्गी के अंडों में से। अब जो है अंडा कल ही नहीं तो परसों ही देगी शायद, मेरा जहां तक अंदाजे एक दिन छोड़ के दे रही है। भाई साहब चीने को चेक करें, रुक 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 जा, चीने की जो है ना कल दुम के पर हमने दो तोड़े। अब आप सोच रहे होंगे क्यों क्या हुई, तो भाई साहब इसकी जो है ना दुम टूट चुकी थी, तो मैंने सोचा कि तोड़ देते हैं पर निकल आएंगे इसके गर्मियों तक। माशाल्लाह से चेक करें भाई साहब, चीना चेक करें, मुझे लगता है कि अभी कैमरे में पूरा नहीं आ रहा होगा, चेक करें, माशाल्लाह फुल तैयार हो गया, खाली जो है ना अभी मुर्गा बांधना बाकी है, अजाने नहीं देता अभी, छोड़े बाकी। रुक 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 रुक, किधर जा रहा है? चेक करें भाई साहब चीने, चेक करें। वो तुझे क्या हो गया? वो भाई साहब उसको क्या हुआ है? हाँ जी ठंड लग गई है, इधर आओ इधर आओ। यार चिक को क्या हो गया? नहीं यार पकड़ा ही नहीं दे रहा। वैसे मैं क्या करता हूँ, छोटे वाले चिक्स को करते हैं बांध क्योंकि ठंड जो है ना मुझे लगता है इनको ज़्यादा लग गई है। चलो अब जो है ना अब हो गए माँ से अलग, जिस वजह से जाना जरा मस्त। यार हमारे स्लेटी के बहुत ज़्यादा पर गिरे हैं, पता नहीं खुद ही निकाल है कि कोई काट रहा है, दिखा नहीं रहा। मुड़ जा, माशाल्लाह से दुम जो है ना अभी आ चुकी है, चेक करें। और जो है ना इसको बांध ही रखते हैं, माशाल्लाह से भाई साहब ब्रीडर मुर्गा बनेगा ये जो है ना, मुझे लड़ाई के लिए नहीं लग रहा क्योंकि इसकी कुरीज बहुत प्यारी है, ब्रीडर मुर्गा ये ब्रीडर। बाकी लड़ाई के लिए जो है ना अगर किसी ने करवानी हो, हमने तो नहीं करवानी, लेकिन ये जो है ना फुल जो है ना 2.5 किलो का हो गया, सट्टे मारता है सीधी और जो खड़ा होता है उसके सारे एकदम चकरा जाता है। भाई साहब अभी जाता हूँ नीचे और आपको दिखाता हूँ जी अपने असील मुर्गी के अंडे। आप लोग कह रहे होंगे ये वैसे झूठ कह रहे, नहीं भाई साहब झूठ नहीं कह रहे, आपको दिखाते हैं। भाई साहब अभी आपको दिखाने लगे जी अपने असील मुर्गी के अंडे, माशाल्लाह से चेक करें भाई साहब। एक जो इसने दिया ना वो 30 तारीख को दिया है, यानी पहले महीने के 2024 की, यानी आज दिया एक अंडा। और इसी के साथ साथ जो है ना एक अंडा इसने दिया था जी 28 तारीख को, यानी इतवार वाले दिन, चेक करें। और कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो है ना इस ऐसे अंडे में जो है ना नर निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी मेल,
और जो गोल अंडा होता है ना प्योर, उसमें फीमेल ज्यादा होती हैं। तो चलें इंशाल्लाह, अल्लाह करे यार जी कोई निकली है अंडे वगैरह हमारे, इनको कवर कर देते हैं दोबारा। बाकी आपने मुझे कमेंट करके बताना कि ठीक रखे होंगे मैंने, कि या जो है ना इनको खुली फिजा में रखा जाए, क्योंकि अभी सर्दियाँ और अभी जो है ना ख़राब होने के चांसेस बहुत कम है अंडों के, तो ज़्यादा मसला कोई नहीं है। बाकी भाई साहब यहाँ पे रहे जी हमारे कॉकरटेल, कॉकरटेल ने जो है ना अपने अंडे बिल्कुल ख़राब कर दिए हैं। वो देखें कोई अंडा इनके तोड़ दिए थे मैंने, अंडे ख़राब हो गए थे। बाकी ये रहे जी हमारे डॉकीज, डॉकीज की फीमेल भी जो है ना अंडे तोड़ तो नहीं दिए इसने भी, नहीं भाई साहब अंडों के ऊपर ही बैठी हुई है। सारे अंडे जो है ना इस कोने में इसने जमा किए हुए हैं यहाँ पे। इसके अंडों में जो है ना अच्छात हैं कि बच्चे इसमें से निकले हैं। बाकी जो है ना हमारे इनने भी, हमारे क्या कहते हैं मास्टर के चिक ने भी अंडे तोड़ दिए हैं। और बाकी जो है ना लटीनों देखते हैं एक दफ़ा। हाँ लटीनों सारे सामने हैं। नहीं भाई साहब इनका अंडा भी कोई भी अभी तक नहीं आया। बाकी जो है ना आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया भाई साहब, ये जो है ना हमारे घर में उड़ के आया था और जो है ना इसको हमने पकड़ लिया था। थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई, अगर हुई तो मैं लगा दूंगा भाई साहब। काफी अरसे बाद जो है ना एक और तोते की आमद आ चुकी है हमारे घर में। अब देखते हैं कि होना क्या है, आज देखते हैं पापा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा हमारे घर में अभी एक फिशर आया है, वहां से रूल ने देखा है, वो आगे बैठा हुआ है। इधर लो वो ऊपर, वो साहब ऊपर बैठा हुआ है। कोशिश करते हैं इसे पकड़ने की, मैं कोशिश करता हूँ कहीं भाग ना जाए, देखते हैं क्या होता है। ओ भाई साहब देख रहा है हमारे पैरट्स को, देखते हैं क्या होता है। काफी टाइम बाद जो है ना किसी पैरट की आमद हुई है, लेकिन है बहुत तेज है ये, मस्तियां कर रहा है पिंजरे पे आके, शायद भूखा है मुझे लगता है ये। आई देखते होता क्या है, वो नीचे है बैठे हुए सबसे आखिर में है। वो चले चले चले, अभी पकड़ पकड़ा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। ये चीज, ये चीज, ये जय जय जय, आ गया आ गया भाई साहब, दबाया हुआ दबाया हुआ। चलो पकड़ो उधर से, सब आ गया आ गया, फाइनली पकड़ लिया है बड़ी मुश्किल से। गाइस इस उल्टे पे कीजिए, मैंने अभी देखा था, बीमार है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों ये अभी पकड़ लिया बड़ी मुश्किल से, ये है फिशर। हमारे पास है कोई फिशर? फिशर नहीं है ना, वो दे दिए थे ना। हमारे पास है जो लटीनो, लटीनो तो उसको बंद करते हैं, हमारे पास पैसे की जगह खाली है। चौथे वाला नीचे वाला इसमें है। अभी बच्चा ही है वैसे भी। तो भाई साहब काफी टाइम बाद जो है ना हमारे घर में किसी बर्ड ने एंट्री मारी है, जब से हमने अपने पैरेट दिए हैं। तो जो है ना अल्लाह करे अब हमारे पैरेट्स वाले केज में जो है ना इजाफा हो जाए, क्योंकि जो है ना बहुत ही तंगी चल रही है। यानी पैरेट वाला बिजनेस जो है ना खसारे में चला गया जब से हमने पैरेट्स दिए हैं भाई साहब, क्योंकि जो है ना पहले बहुत ज्यादा थे, जब दिए तो ब्रीड आना बिल्कुल ही बंद हो चुकी है पता नहीं क्यों। तो बाकी कोई बात नहीं आ रहा जी, आज की वीडियो ये देखिए, आज की वीडियो आपको पसंद आई हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली मेंबर दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।